हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम घर में रखी हुई सोया बड़ी से बहुत ही डिलीशियस कोफ्ता कढ़ी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप सोया बड़ी। अब हम इसमें डालेंगे एक कप गर्म पानी और इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने रफली काट लिया है, 5 से 6 लहसुन की कली, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, टमाटर को भी मैंने रफली काट लिया है। अब हम दोनों का अलग अलग पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट बनकर तैयार है और सोया बड़ी को रखे भी 10 मिनट हो गए हैं। सोया बड़ी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसका सारा पानी अच्छे से दबाकर निकाल देंगे और इसे मिक्सी जार में डालेंगे। सारी सोया बड़ी को दबाकर हमने अच्छे से पानी निकाल लिया है। अब हम इसे हल्का दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। तो सोया बड़ी को हमने पीस लिया है, तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी बनाते हैं तो आप सभी चीज़ों को डबल क्वांटिटी में लें। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का आलू, जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है। दो बड़े चम्मच बेसन, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर गोल गोल शेप देंगे। तो कोफ्ते का शेप आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम सारे कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। तो सारे कोफ्ते बनकर तैयार है, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम कोफ्ते को फ्राई करने के लिए डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमें कोफ्ते को चारों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर में हम कोफ्ते को चलाते रहेंगे। तो कोफ्ते पर चारों तरफ से बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर दिख रहा है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये कोफ्ते फ्राई करते समय बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे। पैन में डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल, तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची को तोड़कर उसके 8 से 10 दाने लिए हैं। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपके पास जो भी गरम मसाले हैं वही आप डालें, बाकी के गरम मसाले आप स्किप कर दें। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। प्याज को लगातार चलाते हुए हम हल्का कलर चेंज आने तक भून लेंगे। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। 2 मिनट बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मसाले को 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो थोड़ा पानी और डालेंगे।
अब हम इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। बीच में हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो 7 से 8 मिनट बाद मसाला अच्छे से पककर तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून घर की फ्रेश मलाई। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ना डालें, इसके डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। तो पानी आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे 2 मिनट लो फ्लेम पर ढक देंगे। तो 2 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक और ढक देंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद सोया कोफ्ता कड़ी बनकर तैयार है। तो इसे अब हम एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो लॉकडाउन के चलते आप घर में इसी प्रकार की सब्जियां बनाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।